तीन दिन से मैं यही चला रहा हूँ अभी पल्सर, क्योंकि एंटॉर्क की सर्विस है जो थर्ड सर्विस है वो अभी सेकंड सर्विस थी हो गई, वो हुई थी आपकी कुछ 2500 के आसपास एंड मैंने उसको बहुत जल्दी करवा लिया था 2400 के आसपास में। तो फाइनली अभी 5000 के बाद 6000 तक की मीटर दौड़ेगा, उतने तक की आपकी सर्विस हो जानी चाहिए नहीं तो सर्विस वारंटी आपको नहीं मिलेगी। इसकी वजह से मैं उसे नहीं चला रहा, अवॉइड कर रहा हूँ। अभी मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत बिजी रह रहा हूँ जॉब पर। समर्स वेकेशन अभी छुट्टी मिल चुकी है सभी को, इसलिए सबके सब अभी हमारे होटल पे आ रहे हैं। मैं होटल में ही काम करता हूँ और वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार, अपनी तो हालत ख़राब हो गई है धूप में ना। हाँ बाजू घूम ले के चलो, रेड लाइट भी खुल गई, आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है। ये इलेक्ट्रिक बस दिल्ली की सबसे बढ़िया ब्लॉक वाली, मतलब बहुत अच्छी बस है इलेक्ट्रिक बस। और यहाँ कुछ काम हो रहा है, लग रहा है सफाई हो रही है यहाँ पर। ये कुछ ना खुलने के बाद ऐसा दिखता है अंदर से, जो कूड़े वाली मशीन होती है ना सड़क साफ करती है वो वाली, ऐसी मशीन होती है अंदर से। और ये हाईवे आगे बन चुका है, जो नहीं जानता महारानी बाग का काट के आगे तक की पहुंचा दिया गया है। ये आश्रम का है रोड जो आश्रम के ऊपर से जाता है फ्लाईओवर, पहले नहीं आश्रम से लेके महारानी बाग तक की था ये फ्लाईओवर, अब ये ना जॉइंट करके ना आगे बढ़ा दिया गया है। और देखो यहाँ से यहाँ तक की ना फ्लाईओवर घट जाता था, नीचे पहुँच जाता था रेड लाइट पार करने के बाद वैसे ही। और अब ये फ्लाईओवर ना ऊपर तक की चढ़ा दिया है और यहाँ से जॉइन करा है, बस यहीं से जॉइन करके आगे तक की बढ़ा दिया है, पूरा DND फ्लाईओवर तक की जोड़ दिया है यहाँ से। मतलब इजी हो गया है, जाम से फंस के जाते थे पहले हम, आधा घंटा एक घंटा पूरा लग जाता था, तो अब ना 10 मिनट और 15 मिनट तक की हम नोएडा पहुँच ही जाते हैं। जब भी ना यहाँ पर कुछ होता है, मतलब कुछ गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, कहीं रुक जाती है, तो ना जाम ज़्यादा लगने लग जाता है इधर। यही थोड़ी सी दिक्कत है बस, अब इसका कुछ हल तो है नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते। कभी भी आप ना ओवरटेक कर रहे हो ना राइट से करो, लेफ्ट साइड से बिल्कुल नहीं करा जाता ओवरटेक, क्योंकि लेफ्ट साइड से ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है ड्राइवर साइड में जब गाड़ी वाले चला रहे होते। राइट साइड से आपको दिख भी जाता है, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हमें स्टेयरिंग मोड़ना है, एंड लेफ्ट साइड से ऐसा होता है कि ना बहुत दूर खड़ा होता है इंसान, तो उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि ड्राइवर को कि हमको कितना स्टेयरिंग आता है। कभी कभी कुछ ड्राइवर्स बहुत हड़बड़ी में मतलब ऐसे हड़कत हल्का सा मोड़ते हैं मगर पूरा मुड़ जाता है वो, और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं ऐसे में। तो इससे ना थोड़ा अवॉइड करो, नहीं तो थोड़ी देर बाद ही निकलो, अगर थोड़ी सी जगह ज़्यादा दिख रहे तब जाकर। यहाँ पर परसों फ़िलहाल में ही एक्सीडेंट हुआ था, वो पूरा लोहा दिख रहा है ना, वो लोहा पूरा मुड़ चुका है। ट्रक आके ना पूरा वो ट्रक का जो ट्रॉली होता है ना ऊपर उठा दी थी उसने, और उसको ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ट्रॉली मेरी पीछे से उठी हुई है, तो उसमें ना ट्रॉली उठी हुई थी और वो जाके उससे लोहे से जाके टकरा गया, जो ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं ना उस पर जाके टकरा गया, और बहुत ट्रॉली तो निकल गई बाहर सीधा। और इस हाईवे में थोड़ा मज़ा भी आता है चलाने में, खुला हाईवे।
अभी मैं इसका ना राइट से ऑन में जाऊँगा और ये मुझे साइड देगा। देखो देखो अब ये तो माना नहीं, मगर ये वाला देगा जरूर, देखना। ये देखो ऐसे करा करो, और ऐसे करने से ना हर कोई साइड देता है। थोड़ा रुका करो, पेशेंस करा करो, तभी आपको ड्राइवर ना ड्राइवर साइड देगा, आपको जाने देगा आगे। वो भी अपना ध्यान रखेगा, क्योंकि मुझे राइट की तरफ मुड़ना है, राइट से जाना है, तो वो अपना लेफ्ट साइड हो जाएगा। अभी देखो इसको भी करता हूँ मैं, ये देखो इसने अपने आप देखा उधर, लेफ्ट साइड देखा, लेफ्ट साइड देने के बाद आगे मुड़ा। अभी मैंने आपको ट्रक दिखाया था ना, ये ट्रक है, कुछ ऐसे साफ करती है। ये देखो इसके ना आगे आगे की तरफ है, बिल्कुल भी बिल्कुल आगे की तरफ होके सफाई करेगी। ये जितना भी कूड़ा है ना यहाँ से सब हटा देगी, और बाद में जाके ना इसको कहीं ना कहीं खाली करना होता है, मतलब कूड़ेदान पे जाके खाली कर देता है ये। और हल्का सा पानी पीछे की तरफ भी छोड़ता जाता है, क्योंकि ये धूल ना उड़े। और अभी हम कुछ निकले थे 2 बजे के आसपास, 15 मिनट में पहुँच चुके हैं यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे से, और बिल्कुल मैंने जो राइड बोला था आपको वही हुआ है। 15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं नोएडा के अंदर, और DND फ्लाईओवर से। अरे बाप रे, आज तो पूरा ये तोड़ के रख दिया। वैसे भी अब पार्किंग लगा के अब ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी भी करना ज़रूरी है। सारा यूट्यूब से पैसा थोड़ी ना लेंगे भाई, अभी यूट्यूब से कोई पैसा वैसा नहीं आया, कहने को है वो बस ऐसे पैसा वैसा देते हैं, बोलते हैं जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब जाके आपको मोनिटाइज करने का मिलेगा, मगर 1000 सब्सक्राइबर्स से भी नहीं होता है। वॉच टाइम भी चाहिए होता है उसमें, वॉच टाइम आपका रहेगा उस पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मोनिटाइज होता है। मोनिटाइज होने के बाद तभी आपको यूट्यूब मनी मिल पाता है। तो अभी आज जॉब करूँगा, फिर उसके बाद जाके मिलते हैं आपसे, बाय बाय।